समस्तीपुर में दुर्गा पूजा के मौके पर किसी भी तरह का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति जिला प्रशासन की तरफ से नहीं थी। इसके बावजूद विजयदशमी के दिन बाल बालाओं के डांस प्रोग्राम आयोजित की गई। बाल बालाओं के साथ बिहार पुलिस का एक कर्मी भी बाल बालाओं के साथ स्टेज पर डांस करते नजर आया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि वायरल इस वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। इस वायरल वीडियो में एक वर्दीधारी दिख रहा है जो बाल बालाओं के साथ झूमते लगाता नजर आ रहा है। दरोगा जी चोरी हो गई जाने पर बाल बालाओं के साथ डांस करते कांस्टेबल का यह वीडियो समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीण और पुलिस खुलेआम दुर्गा पूजा के मौके पर बाल बालाओं के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र में विजयदशमी की रात जो कुछ भी हुआ यह पूरी तरह दुर्गा पूजा के लिए बने गाइडलाइन का सीधे तौर पर उल्लंघन है, जबकि जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा के मौके पर ऐसे किसी तरह के रंगारंग कार्यक्रम और मेले के आयोजन पर रोक लगा रखा था। बावजूद इसके इस डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, आखिर इसकी अनुमति किसने दी थी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन कंधों पर गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, खुद वही बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाने लगे तो इसे क्या कहेंगे। जब पुलिस खुद इस आयोजन का लुफ्त उठा रही हो तो खुद बाल बालाओं के साथ ठुमके लगा रही हो तो ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम पर रोक लगाने की हिम्मत कौन करेगा। मोहनपुर ओपी थाने की पुलिस के बाल बालाओं के साथ डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, लेकिन वायरल यह वीडियो पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। बीएनपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से संवाददाता दिव्यांशु राय की रिपोर्ट।